क्या आपको लंबे टाइम से थकान महसूस हो रही है या आपके स्नायु में दर्द हो रहा है या क्रैम्प जैसा फील हो रहा है आपके पैर के स्नायु में, खास करके क्रैम्प आ रहे हैं, या आपको हड्डियों में पेन हो रहा है जैसे कि आप नीचे बैठे हो जमीन पे और आप कोई सपोर्ट लिए बिना खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो ये सारे विटामिन D3 के कमी के लक्षण हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि विटामिन D3 के कमी के कारण आपका मूड जो है वो डाउन सा रहता है या डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको देखने को मिल रही है तो आपको विटामिन D3 की कमी हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो विटामिन D3 के बारे में है जिसमें हम आज ये वीडियो में विटामिन D3 का क्या इम्पोर्टेंस है बॉडी में, विटामिन D3 का क्या रोल है, क्या क्या लक्षण है जो मैंने अभी आपको बताया। विटामिन D3 अगर आपके बॉडी में लंबे टाइम से कम है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, विटामिन D3 के कमी के क्या क्या कारण हैं, कौन से ऐसे फूड सोर्स है जिसमें से अच्छी मात्रा में विटामिन D3 आपको मिलता है, उसके अलावा कितना डेली इंटेक होना चाहिए विटामिन D3 का, लेबोरेटरी में नॉर्मल लिमिट्स कितनी हो, कब आपको दवाई चालू करनी है, और विटामिन D3 अगर आपने ज़्यादा मात्रा में ले लिया है, लंबे टाइम तक ले लिया, तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर गुंजीत परमा, लाइफस्टाइल डिजीज स्पेशलिस्ट, अहमदाबाद गुजरात से। तो चालू करते हैं फ्रेंड्स, विटामिन D3 का क्या रोल है बॉडी में। तो जो विटामिन D3 है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के है फैट सॉल्युबल, ऐसे ही विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये नेचुरली आपके स्किन के अंदर ही बनता है, उसके लिए आपको जस्ट हर रोज 15 से 20 मिनट धूप में बैठना होता है, तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर बनता है। उसके अलावा आपकी बॉडी में अपनी आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखता है, आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल, फॉस्फोरस लेवल और टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये सारी चीज़ें, ये हॉर्मोन्स और ये मिनरल्स को ये मेंटेन रखता है। ऐसा भी एक रिसर्च में देखा गया है कि आप विटामिन D3 आप डायबिटीज़ होने से बचाता है, विटामिन D3 हार्ट डिजीज़ होने से बचाता है, और कई तरह के कैंसर होने से भी ये विटामिन D3 बचा है। ये रिसेंट रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। लक्षण मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। अब अगर बॉडी में विटामिन D3 की कमी है, आपकी बॉडी में लंबे टाइम से विटामिन D3 की कमी है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो एक तो आपके जो स्नायु हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, आपको क्रैम्स आएंगे, काम करने की इच्छा नहीं होगी, थकान महसूस होगी, आपकी हड्डियों में पेन होगा, या आपको उसमें हड्डियों में फ्रैक्चर होने का चांसेस बढ़ जाता है। मतलब छोटी इंजरी हुई तो आपको फ्रैक्चर होने का चांसेस बढ़ जाएगा कंपेरेटिवली जिनमें विटामिन D3 सफिशियंट मात्रा में है। प्लस अगर आपको फ्रैक्चर है तो जल्दी जुड़ेगा नहीं हड्डी आपका, अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है। उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को ये डाउन करता है, कोई इन्फेक्शन आपको बार बार लग जाएगा अगर विटामिन D3 की कमी है। प्लस आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस होने का चांसेस बढ़ सकता है, हार्ट डिजीज होने का चांसेस बढ़ सकता है, और कोलोरेक्टल कैंसर, आँख का कैंसर होने का चांसेस बढ़ सकता है, ये रिसर्च में ऐसा पाया गया है। तो ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। अब विटामिन D3 के कमी के कारण क्या क्या है, ये हम आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि इसमें से कोई कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो। तो सबसे पहले तो अगर आप धूप में बैठते ही नहीं हो, जो हर रोज 15-20 मिनट बैठना बहुत ज़रूरी है, जिसमें नेचुरली आपके बॉडी के अंदर विटामिन D3 बनता है। अब ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि मोस्ट ऑफ लोग ऑफिस में AC में 8-10 घंटा बैठे रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसे केसेस आ रहे हैं विटामिन D3 की कमी के। प्लस आपकी उम्र क्या है, आपका स्किन का कलर क्या है, आप कहाँ रहते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है। जैसे लंबी बांह के कपड़े आप पहनते हो तो विटामिन D3 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, अगर आप धूप में रहते हो तो भी। स्किन कलर आपका डार्क है तो जिन लोगों का स्किन कलर डार्क है उनमें विटामिन D3 की कमी होने के चांसेस ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि उनके स्किन के अंदर मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल डिपॉजिट हो जाता है जो विटामिन D3 को एब्सॉर्ब नहीं होने देता है। इसकी वजह से ये जो मेलाटोनिन है स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में होगा तो विटामिन D3 एब्सॉर्ब नहीं होगा। प्लस अगर आप डाइट में ही कम मात्रा में लेते हो विटामिन D3, मैं आपको फूड सोर्स के बारे में बताता हूँ अभी। प्लस अगर आपका वेट ज़्यादा है, या आप स्मोकिंग कर रहे हो लंबे टाइम से, या आपको कोई बड़ी आंत का कोई बीमारी है,
बेरियाट्रिक सर्जरी आपकी हुई है। बेरियाट्रिक सर्जरी माने वजन कम करने की सर्जरी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी की गोली लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। आपकी बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है वजन कम करने की, तो भी आपको विटामिन डी थ्री सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा या आपको कमी हो जाएगी सर्जरी से। किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का आपको कोई प्रॉब्लम है और कोई दवाई आप लेते हो, जैसे कि आपको टीबी की दवाई लेते हो, वजन कम करने की दवाई लेते हो, या जिनको कब्जी रहती है वो लोग लैक्सेटिव्स लेते हैं यूजुअली, कोई सिरप या कोई ऐसी टैबलेट है उससे भी, जिसको लैक्सेटिव बोलते हैं उससे भी ये हो सकता है। प्लस स्टीरोइड्स अगर आप लंबे टाइम तक लेते हो, या एंटी सीजर एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन, मतलब जो दौरा पड़ने की या सीजर एपिलेप्सी मिर्गी जिनको बोलते हैं, उसकी अगर दवाई आप लंबे टाइम से लेते हो तो ये सारी दवाइयों से विटामिन डी थ्री की कमी होने के चांसेस ज़्यादा है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। मैं आपको अभी फूड सोर्सेज के बारे में बताऊंगा, ये ध्यान से सुनिए। फूड सोर्सेज में कौन से ऐसे फूड जिसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी थ्री मौजूद है, जो एक हो गया गाय का दूध हो गया, फिर हो गया छाछ हो गई जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, फिर दही है, चीज़ है, सोया प्रोडक्ट्स है जिसमें सोया मिल्क है, टोफू पनीर है, मशरूम आप ले सकते हो उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में ये होता है विटामिन डी थ्री, और ऑरेंज जूस जो घर पे निकालो, फ्रेश जूस होना चाहिए। बाजार में जो रेडीमेड ऑरेंज जूस मिलते हैं उसको अवॉइड करिए, उसमें शुगर बहुत होता है। जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को फिश में से काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन डी थ्री मिलता है, और एग योक, एग का जो बीच वाला जो येलो पोर्शन होता है उसमें से विटामिन डी थ्री मिलता है, लेकिन ये जो येलो पोर्शन है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी होता है, तो आपको केयरफुल रह के वो लेना है। एग वाइट में से आपको कैल्शियम और प्रोटीन मिलेगा, एग योक जो येलो पोर्शन है उसमें डी थ्री और ये आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। तो ये हो गया फूड सोर्स। अब डेली लिमिट्स कितनी लेनी है, तो आपको 400 IU इंटरनेशनल यूनिट से 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, पूरे दिन में 400 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट लेने हैं। लेबोरेटरी पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो लैब टू लैब वाइज ये अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन मैं एक जनरल पैरामीटर्स आपको बता दूं। अगर आपका डी थ्री 12 नैनोग्राम पर एम एल से कम है, मतलब आपकी बॉडी में विटामिन डी थ्री की कमी है, 12 से 20 नैनोग्राम पर एम एल है मतलब इनसफिशियंसी है, मतलब मौजूद है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, 20 से 25 नैनोग्राम पर एम एल है मतलब सफिशियंट है आपकी बॉडी में, और अगर 50 नैनोग्राम पर एम एल से ज़्यादा मौजूद है आपकी बॉडी में विटामिन डी थ्री, लेबल रिपोर्ट में अगर 50 NG पर एम एल नैनोग्राम पर एम एल से ज़्यादा आ रहा है तो ये टॉक्सिक लेवल है, आपको डी थ्री आपको बंद करना चाहिए इतना लेवल है। तो ये हो गए पैरामीटर्स, ये लैब टू लैब वाइज अलग अलग हो सकते हैं, ये जनरल मैंने पैरामीटर्स आपको बताए। अब हम विटामिन डी थ्री अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेते हो टैबलेट्स या लंबे टाइम तक ले रहे हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है। ये अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो आपको पेट में दर्द, उल्टी, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, सिर में दर्द होगा, किडनी स्टोन होने का चांसेस आपको बढ़ जाएगा, और आपको मेंटली आप कंफ्यूज रहोगे हर बात। ये सारे कैल्शियम लेवल अगर बढ़ता है तो ये सिम्टम्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको लंबे टाइम कब्जियत रहने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा जिसको हिंदी में कब्जी बोलते हैं, आपको पानी की तरस ज़्यादा लगेगी, बार बार यूरिन करने जाना पड़ेगा, भूख आपकी कम हो जाएगी, आप रात की नींद जो है वो आपकी स्लीप आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अगर आप ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी थ्री ले लिया है तो ये विटामिन डी थ्री इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं इसे। हाँ, पर यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है कि अगर आप धूप में लंबे टाइम तक बैठते हो या नेचुरली कोई खाने की चीज़ से विटामिन डी थ्री ले रहे हो तो ये नेचुरल तरीका है। ये अगर आप कितने भी खाने में कितना भी डी थ्री ले लो या धूप में कितनी देर तक बैठ लो, उससे जो डी थ्री मिलता है उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये भी जो मैं साइड इफ़ेक्ट्स बताई, ये टैबलेट्स अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेते हो उससे ही ये साइड इफ़ेक्ट्स होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई विटामिन डी थ्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, और अपने दूसरे सोशल मीडिया से व्हाट्सएप फेसबुक में आप ज़रूर शेयर करिए। रेगुलरली मेरे चैनल पे ऐसे वीडियो आते रहेंगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।